थे, लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो है ब्लॉक प्रमुख चुनाव से जुड़ी हुई और उसी की ही बड़ी कवरेज एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है। सीधे रुक करेंगे, बलराम पांडे अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलीगढ़ में इस वक्त क्या माहौल बलराम चल रहा है? लगभग 45 मिनट का वक्त बीत चुका है, क्या वहां पर शांतिपूर्ण मतदान हुआ है या कुछ टकराव की खबरें अलीगढ़ से भी आ रही है? देखिए आस्था, अगर हम अलीगढ़ के गंगिरी ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पर जब बीजेपी के जिला अध्यक्ष ऋषिपाल जी जो पीडीसी सदस्य थे उनको लेकर के पहुँचे थे तो काफ़ी ज़्यादा नोकझोंक प्रशासन और जिला अध्यक्ष में देखने को मिली थी और उसी के बाद से धीरे धीरे जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा होने लगे हैं। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से लोग यहाँ पर अब जमा होना शुरू हो गए हैं। धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भीड़ है वो लगनी शुरू हो गई है। लोग खेतों से बागों से निकल करके यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और जिस तरीके की ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो खुद ब खुद बयां कर रही हैं कि किस तरीके से यहाँ पर माहौल गर्म है, लेकिन जो प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद नज़र आ रहा है। लेकिन जो लोगों की भीड़ है, जो लोगों का जमावड़ा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से लोग खेतों से और बागों से निकल करके यहाँ पर आ रहे हैं और ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कि सामने ये बाग है और यहाँ पर धीरे धीरे लोगों के इकट्ठा होने की जो सूचना है वो लगातार बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो कैमरे को और घुमा करके दिखाएं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और धीरे धीरे ये जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन जो प्रशासन है उसका कहना है कि यहाँ पर जो शांति व्यवस्था है वो चुस्त और दुरुस्त रहेगी, इसको लेकर के भारी तादाद में पुलिस और पीएससी के जवानों को तैनात किया गया है। लेकिन ये जो दूरी है पोलिंग बूथ से महज चंद कदमों की है जहां पर ये लोग इकट्ठा हुए हैं और ये भीड़ आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके का माहौल गंगेरी ब्लॉक में इस वक्त है और काफ़ी गहमा गहमी है क्योंकि यहां पर जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं बीरवती यादव और जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं राकेश सिंह यादव, इन दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है और बताया जा रहा है कि जो बीरवती यादव हैं उनके परिवार के लोग लगभग 20 साल से यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख हैं। अगर वो ब्लॉक प्रमुख नहीं रहे हैं, सीट आरक्षित हुई है, तो उनके सहयोगी यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख रहे हैं और यही वजह है कि लगातार यहाँ पर तो जो गहमा गहमी है वो देखने को रहे हैं कि अभी तक शांतिपूर्ण मतदान हुआ है, कोई बड़ी ऐसी घटना वहाँ पर नहीं हुई है, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक एक करके सभी से हम अपडेट ले रहे हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, जारी है विजय तिलक।